वो यहीं कहीं होगा उसका पीछा करते रोबैतो हरता सांचेस अब बस उसे पकड़ नहीं वाले हैं। यूरोप का सबसे बड़ा शिकारी उत्तरी स्पेन के जंगलों में रहता है यहाँ एक भालू था इसमें कोई शक नहीं कोई दूसरा जानवर चेरी के पेड़ पर चढ़कर सिर्फ फल के लिए डाल को तोड़ नहीं डालता रोबैर्तो के पास सबूत है वो एक वन्य जीव संरक्षण संगठन के लिए काम करते हैं उन ठिकानों पर उन्होंने कैमरे लगाए हैं जहां भालू अक्सर आता है बेफिक्र जंगली भालुओं की हरकतें देखकर उन्हें बड़ा मजा आता है देखिए वो रहे इन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी एक जगह है जो उन्हें घर जैसा महसूस कराती है यूरोप के अधिकांश हिस्सों में भालू खत्म हो चुके हैं यहाँ वे बचे रह गए हैं हम जैसे लोगों के लिए ये अद्भुत नज़ारा है यहाँ कैंटाब्रियन पहाड़ों में भूरे भालू लगभग गायब हो चुके थे आज करीब 300 हैं। पश्चिमी यूरोप में भालुओं की सबसे बड़ी आबादी लेकिन ये संख्या समस्या भी बन रही है जानवर खाने की तलाश में इंसानी बसाहटों में घुसने लगे हैं भालू ने आकर सब कुछ चट कर डाला उसने एक भी चेरी नहीं छोड़ी और हम उन्हें बस निकालने ही वाले थे अब बहुत देर हो चुकी है नब्बे किलोमीटर दूर ऐसी में एक भालू रेस्तरा के भंडार घर में रोज घुस जाता है रेस्तरा मालिक होसे होशे ने तेल के पुराने पीपे में घुसने की कोशिश करते भालू का वीडियो बना लिया वो कहते हैं कि अब से तेल को वे गैरेज में रखेंगे लेकिन वो और सुरक्षा भी चाहते हैं। हम भालुओं को खदेड़ देते हैं ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि वे आइंदा गांव में ना घुस पाए ये बहुत जरूरी है बहुत से बच्चे और बुजुर्ग यहाँ गर्मियों में रहते हैं कोई अप्रिय घटना हो सकती है एक हादसा कुछ सप्ताह पहले हो चुका है एक भालू ने 75 साल की बूढ़ी महिला पर हमला किया जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गयी असामान्य व्यवहार करने वाले भालुओं और घायल भालुओं की देखरेख करने वाले जीव वैज्ञानिकों ने मामले की जांच की उन्हें पक्का यकीन है कि ऐसे गंभीर नतीजों वाले टकराव कम ही होते हैं आमतौर पर भालू लोगों से दूर भागते हैं यहाँ भालू ने महिला पर इसलिए हमला किया क्योंकि उसे डर लगा हमले में महिला का कूल्हा टूट गया और उसके चेहरे पर चोट आई भालू आमतौर पर इतने खतरनाक या आक्रामक नहीं होते वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जरूरत पड़ने पर कोई कदम उठाया जा सके इसके लिए रोबैर्तो और उनका संगठन संदिग्ध भालुओं की शिनाख्त कर उनका मुआयना करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि शिकारियों को इंसानों का खौफ क्यों नहीं रहा गांवों में खेती कम से कम होती जा रही है घास के मैदान और चारा गाहें जंगलों में तब्दील हो रहे हैं कई गाँव तो एक लिहाज से जंगलों के बीचों बीच आ गए हैं। तो असल में भालू जंगल छोड़कर नहीं गया है वो तो वहीं है अपनी कुदरती रिहाइश में जानवरों पर इल्जाम थोपने के बजाय देखना चाहिए कि वाकई में हो क्या रहा है भालुओं को गाँव से दूर रखने के लिए संरक्षण वादी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जानवरों को आबादी से दूर पर्याप्त भोजन मिले इसीलिए रुबैरतो और उनके सहयोगी जंगलों के साफ इलाकों में फलों के पेड़ लगा रहे हैं भालू और इंसान साथ साथ रह सकें ये हम आने वाले सालों में मुमकिन करना चाहते हैं लोगों को ये बताना जरूरी है कि भालू यहीं के प्राणी हैं जैसे कि हम लोग हैं और ऐसे टकराव तो बहुत दुर्लभ होते हैं जागरूकता बढ़ाने से ही डर भी दूर होगा फिर लगेगा कि भालुओं के प्रति प्रेम भी एक नजरिया ही तो है प्यार के साथ एक उचित दूरी भी